राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 66 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें जोधपुर में 23, जयपुर में 19, चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 9, भीलवाड़ा और टोंक में 2-2, अजमेर और भरतपुर में 1-1 संक्रमित सामने आए हैं। राज्य में कुल जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा 3,127 पहुंच गया है। जयपुर में एक साथ 5 मौत होना ये सभी को चौंका रहा है। इसके साथ राज्य में मौत की कुल संख्या 82 पहुंच गई है। तो मंगलवार को यानी कि आज अगर हम नए केसेस की बात करें तो 66 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें जोधपुर जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। 23 केसेस जोधपुर से सामने आए हैं, कोटा से एक केस सामने आया है, जयपुर में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2 जिले जो हैं वहां पर 67% केसेस सामने आ चुके हैं, ये जयपुर और जोधपुर ही हैं। अजमेर में एक केस सामने आया है, तो 33 जिलों में से 22 जिले तक ये संक्रमण पहुंच चुका है। टोंक में 2 केस सामने आए हैं, बीकानेर में 2 केस सामने आए हैं। अगर जिलावार अपने दर्शकों को बताएं तो चित्तौड़गढ़ में अब तक 9 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार सरकार नए कदम उठा रही है, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो, जिसके जरिए कोरोना को रोका जाए। इधर राजस्थान सरकार का दावा है कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान में हर ज़िले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे ज़िलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1,000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। आबादी वाला इलाका है उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पे लेंगे, SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा। और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएँ जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। जो हमारे सामान्य चिकित्सालय हैं वहाँ पे अन्य रोग जो इलाज कराने वाले लोग हैं उनको भी ये भय नहीं रहे कि भाई इसमें तो कोविड के मरीज भर्ती हैं इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि कोविड केयर सेंटर में ही कोविड से रिलेटेड मरीज रहेंगे तो फिर वहाँ जाने में किसी को हिचक नहीं होगी। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रामस्वरूप आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के रोकथाम के लिए क्या नए और बड़े कदम राजस्थान सरकार ने उठाए हैं। देखते एक तो किस तरह से अभी चिकित्सा मंत्री ने बताया था कि जिस तरह से जो जयपुर का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल, यहाँ पर आम सामान्य दिनों में 9 से 10 हज़ार की संख्या में आउटडोर होता था, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, जब से इसका लोगों में भय फैला तो OPD बहुत कम हो गई है। लोग जो है सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराने लगे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो इसी लिहाज से जो है सरकार ने अब कोविड केयर सेंटर जो है खोलने की शुरुआत करने जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर जो खोले जाएंगे तो अब कह सकते हैं कि बाकी जो सामान्य बीमारी किसी में है तो वो बेहिचक सरकारी अस्पताल में जाकर के बिना किसी डर के बिना किसी भय के अब अपना इलाज करा सकता है। और तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने कल ही एक पोर्टल लॉन्च किया है E-संजीवनी नाम से, जिसमें कोई भी चाहे मरीज हो जो वो ऑनलाइन सरकार से जो मेडिकल की टीमें हैं डॉक्टर्स हैं उनसे अपने बीमारी अपने लक्षण बता करके बीमारी की दवाइयां वगैरह ले सकते हैं। तो ये दो अच्छे पहल सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए किया। और इससे पहले भी मोबाइल हॉस्पिटल के लिए नाम पर जो है अलग अलग 400 मोबाइल वैन जो है वो प्रदेश के प्रत्येक जिलों में भेजी गई है, तहसीलों में भेजी गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, कोई सिम्टम हो, कोविड के अलावा और कोई सामान्य बीमारी हो तो वो वहां पर जो मोबाइल वैन गांव तक पहुंच रही है तो उनमें उनके लिहाज जरिए अपनी बीमारी बताएं। बिल्कुल रामस्वरूप, क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी कि जो दूसरे मरीज हैं, दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से, और उस शिकायत को अब राजस्थान सरकार ने दूर किया है।